क्या आप इस साल 2024 में जर्मनी आने का सोच रहे हैं? हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं पिछले 6 सालों से जर्मनी में रह रहा हूँ। जो इस साल जर्मनी गवर्नमेंट अपने लॉज में कुछ नए चेंजेस करने वाली हैं, वो मैंने अब तक नहीं देखे। वो न्यू इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, क्या पता इस वीडियो के कोई पार्ट की वजह से आपकी लाइफ बदल जाए और आप इस साल आसानी से जर्मनी आ सकें। चलो देरी ना करते हुए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। पिछले सही कई सालों से जर्मनी में लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है और ये आने वाले 10 सालों में बहुत ही बढ़ जाएगी। इसकी वजह से जर्मनी गवर्नमेंट अपने लॉज में कुछ बड़े बड़े चेंजेस करने वाला है और जिसकी वजह से न्यू इमिग्रेंट्स के लिए ये साल जर्मनी आना बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप कोई स्टूडेंट हो, आपके पास डिग्री हो ना हो, आप जर्मनी जॉब ढूंढने आ रहे हो, अगर करने आ रहे हो, आप इस साल जर्मनी में आसानी से आ सकते हैं। चलिए जी, अब उन नए लॉज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट लॉ, अपॉर्चुनिटी कार्ड, जिसको जर्मनी में कहते हैं चांसन कार्टे। ये कार्ड उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो जर्मनी जॉब ढूंढने आना चाह रहे हैं और जॉब करने आना चाह रहे हैं। इस कार्ड की हेल्प से आप जर्मनी में 1 साल तक स्टे कर सकते हैं और आप साथ साथ अपनी फील्ड में जॉब भी ढूंढ सकते हैं और इसके साथ साथ आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट में, वेयर हाउस में, किसी ग्रोसरी स्टोर पे आप जॉब कर सकते हैं पार्ट टाइम, और जिससे जो कि आपके मंथली एक्सपेंसेस इजीली कवर कर लेती है। और नेक्स्ट लो है जर्मनी सिटीजनशिप इन 5 ईयर्स। अब आपको सिटीजनशिप 5 साल में मिल सकती है, जो कि पहले सिटीजनशिप 8 साल में मिलती थी, अब आप उसके लिए 5 साल में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं, एक्स्ट्रा वर्किंग स्किल्स हैं, तो ये सिटीजनशिप आपको 3 साल में भी मिल सकती है। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, आपको जर्मनी में रेगुलर टैक्सेस पे करने हैं और आपके पास कोई परमानेंट जॉब होनी चाहिए। नेक्स्ट लो जो इस साल इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, वो है डुअल नेशनैलिटी। पहले ऐसा होता था कि जर्मनी नेशनैलिटी लेने के लिए आपको अपनी कंट्री की नेशनैलिटी छोड़नी पड़ती थी, अब ऐसा नहीं है। अब आप जर्मनी नेशनैलिटी के साथ साथ अपनी कंट्री की भी नेशनैलिटी रख सकते हैं। अभी इंडिया ये अलाउ नहीं करता, इंडिया के लिए आप OCI कार्ड ले सकते हैं। नेक्स्ट, ब्लू कार्ड थ्रेशोल्ड। ब्लू कार्ड की सैलरी को डिक्रीज कर दिया गया है। अगर आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है, ये आपको PR लेने के लिए बहुत हेल्प करता है और आपका PR तक का टाइम बहुत शॉर्ट कर देता है। ब्लू कार्ड की एलिजिबिलिटी बोथ स्टेम एंड नॉन स्टेम फील्ड के लिए कम कर दी गई है। पहले जो स्टेम फील्ड में आपको 46,000 शो करने होते थे साल के, अब वो कम करके 40,000 कर दी गई है। पहले जो नॉन स्टेम फील्ड की आपको 49,000 शो करनी पड़ती थी सैलरी, अब उसको डिक्रीज करके अराउंड 44,000 कर दिया गया है। यही नहीं कि ब्लू कार्ड सिर्फ स्टेम फील्ड वालों को मिलेगा, अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं भी है, अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है और अच्छी जगह जॉब करते हैं और 39,000 तक कमा लेते हैं साल का, तो भी आप ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल होते हो। नेक्स्ट, ब्लू कार्ड विदाउट डिग्री। जो कि डिग्री नहीं लेना चाहते, जो नहीं स्टडी करना चाहते, अगर आपके पास प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस है, उस वर्क एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपकी अच्छी जगह जॉब लग जाती है, तो भी आप ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल हो। अगर आपकी डिग्री किसी और चीज़ में है और आपकी जॉब किसी और फील्ड में लग जाती है और आप अच्छा कमा लेते हैं, तब भी आप ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल होते हो। अगर आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है, तो ये आपको आपके फैमिली मेम्बर्स को बुलाने में बहुत हेल्प करता है और ब्लू कार्ड आपकी PR तक का टाइम बहुत शॉर्ट कर देता है। ब्लू कार्ड की हेल्प से आपको 2 साल में PR मिल जाती है। अगर आपकी लैंग्वेज C1 C2 तक और एडवांस है, तो आपको वही PR 1 साल में भी मिल सकती है, यानी कि 12 मंथ में आप उस PR को लेने के लिए एलिजिबल हो। नो मोर जर्मन इक्लुएंसी, नो मोर इक्लुएंसी रिक्वायर्ड। पहले जो आपको अपनी डिग्री की इक्लुएंसी बनवानी पड़ती थी और आपका बहुत सारा टाइम उसमें निकल जाता था और बहुत सारे पैसे भी आपके लग जाते थे, तकरीबन 200 से 300 यूरो तक लग जाते थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपका वो मनी भी सेव होता है और आपका टाइम भी सेव होता है। अगर आपके पास 3 साल या उससे ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपको अपनी डिग्री की इक्वलेंसी बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है पेरेंट स्पॉन्सरशिप लॉ। पहले ऐसा होता था कि आप अपने पेरेंट्स को जर्मनी तो बुला सकते थे, वो सिर्फ 3 महीने तक ही जर्मनी में रह सकते थे, 3 महीने से ज़्यादा रह नहीं पाते थे, उनकी वजह से उनको अपनी कंट्री वापस जाना पड़ता था।
अब ऐसा नहीं है। अब जर्मनी गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया है, जो भी यहाँ पे स्किल्ड वर्कर हो जाते हैं उनके पास अच्छी जॉब है, अच्छे टैक्सेस पे कर रहे हैं, प्रॉपर रह रहे हैं, फुल टाइम जॉब करते हैं, उनके पास पीआर है, ब्लू कार्ड है, तो वो अपने पेरेंट्स को लॉन्ग टर्म तक जर्मनी रख सकते हैं। नेक्स्ट लो स्टूडेंट्स के लिए ये है, इंक्रीज वर्किंग आवर्स। पहले स्टूडेंट्स को लो होता था 120 फुल डेज और 240 हाफ डेज काम करना, वो नंबर अब बढ़ा दिया गया है। अब स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं 140 फुल डेज और 280 हाफ डेज। अब आप ज़्यादा नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स तक काम भी कर सकते हैं। इस लो की हेल्प से स्टूडेंट ज़्यादा नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स तक काम कर सकते हैं और अपने एक्सपेंसेस इजीली निकाल सकते हैं और अपनी लाइफ को और बढ़िया तरीके से जी सकते हैं। ये वो नए लॉज थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। इस वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो चैनल पर नए जुड़े हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेशन में आप ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, क्या आप जानना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।